हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। ये मेरे पास एक 24 इंच का सैमसंग एलईडी आई है। इसमें जो फॉल्ट है आप देख सकते हैं, स्टैंड बाई जो एलईडी लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग हो रहा है और डिस्क बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। ओके, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे जो इसका फॉल्ट कहाँ पर है, और मदरबोर्ड में फॉल्ट है तो मदरबोर्ड में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो पहले ये देखिए, ये जो कॉइल देख रहे हैं ये 12 वोल्ट से ये 5 वोल्ट बनता है, तो ये देखिए 5.2 जो है ये परफेक्टली बन रहा है। और ये जो प्लस साइज सी में 8 नंबर पिन जो है 3.3, ये भी प्रॉपर बन रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए कॉयल है, ये 1.2 वोल्ट का है जो कि कोर सप्लाई, ये भी बन रहा है 1.3। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेगुलेटर है ये 1.8 वोल्ट का है, तो 1.8 वोल्ट भी बन रहा है। और दूसरा जो रेगुलेटर है यहाँ पर 1.8, तो यहाँ पर देखिए 3.3 बनना चाहिए, ये भी 3.3 भी प्रेजेंट है। तो इसमें सभी सप्लाई जो है बन रहा है, फिर भी ये स्टैंड बाई कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक मॉस्फेट है, 6 लेग का पी चैनल मॉस्फेट, जो कि जो 3.3 रेगुलेटर है उसका सप्लाई, इनपुट सप्लाई 5.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि इनपुट हो रहा है 5.2, और ये मॉस्फेट का आउटपुट में देखिए 4.3 वोल्ट बन रहा है। तो यही 4.3 वोल्ट जो कि यूएसबी का सप्लाई भी, ये जो मॉस्फेट देख रहे हैं यूएसबी मॉस्फेट, तो इसका भी सप्लाई यही 4.3 वोल्ट, और ये साथ ही साथ ये 4.3 वोल्ट जो है ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर और 1.8 वोल्ट रेगुलेटर का भी सप्लाई है, देख सकते हैं। इसका इनपुट सप्लाई जो है 3.3 वोल्ट का, ये 4.3 वोल्ट ही आ रहा है सप्लाई, जो 5 वोल्ट मिलना चाहिए था ये भी 4.3 वोल्ट ही आ रहा है। तो इसकी वजह से ये फॉल्ट दिख रहा है। तो ये जो 6 लेग का मॉस्फेट है, तो इसका इनपुट 5.2 वोल्ट और आउटपुट 4.3 वोल्ट, तो उसका गेट सप्लाई जो है ये पी चैनल मॉस्फेट है, तो गेट आपको लो मिलना चाहिए। तो आप गेट सप्लाई देख रहे हैं 3.9 वोल्ट, तो ये हाई वोल्टेज है। ओके, तो इसके कारण ये 4.3 वोल्ट ही आउटपुट मिल रहा है। तो इस मॉस्फेट को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ही चेक करेंगे। ये देखिए वेरिएशन भी हो रहा है। तो इस मॉस्फेट को मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, ये Q207। ओके, तो यहाँ देखिए ये मॉस्फेट है, उसको मैं रिप्लेस किया हूँ। तो रिप्लेस करने के बाद मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ क्या कंडीशन है। ओके, तो इनपुट जो है ये आउटपुट सप्लाई, तो आप देख सकते हैं, अभी मैं लाइन देके चेक करता हूँ क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टैंड बाई एलईडी, ये भी जो ब्लिंकिंग हो रहा था कंटिन्यूसली, ये भी सही है। ओके, तो ये मॉस्फेट को रिप्लेस करने के बाद ये भी देखिए, ये भी प्रॉपर चल रहा है, और बैकलाइट भी जल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिर से मैं बंद करके ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन करने के बाद,
तो ये देखिए, ये इनपुट है, तो इनपुट वोल्टेज जो है 5.2 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट में देख सकते हैं ये भी 5.2 वोल्ट ही मिल रहा है। तो मॉस्फेट अभी वर्किंग में आ चुका है प्रॉपर। ये इनपुट 5.2, ये देखिए थोड़ा फोकस में आ रहा हूँ, ये देखिए इनपुट जो है 5.2, और गेट में जो सप्लाई मिल रहा था 3.9 वोल्ट, अभी देखिए उसका गेट देखिए 0.5 वोल्ट, अभी वो लो वोल्टेज ही आ गया, तो ये मॉस्फेट वर्किंग में आ गया है। ओके, तो अभी मैं बैकलाइट भी जल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्ले में चेक करके दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले का कंडीशन अभी ये देखिए, डिस्प्ले जो है प्रॉपर बन गया है। ओके, तो इस तरह आप काम करेंगे, तो बेसिक से ही चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर फॉल्ट जो है मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए मैं अभी ऑन करता हूँ, ये देखिए वन टाइम ब्लिंक हो रहा है, ये भी स्टैंड बाई में आ गया, ये भी ऑन है। देखिए अभी डिस्प्ले जो है आ गया। तो सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिएगा। नीचे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएगा, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये मैं बहुत दिनों के बाद ही वीडियो कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था, और थैंक यू वेरी मच।